कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2019 में राजमाता विजयराजे सिंधिया के प्रपोत्र और कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनाए जाने से नाराज होकर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को जमीन दोज कर सकते हैं। उन्होंने कथित रूप से पार्टी को अल्टीमेटम भी दिया है, ऐसा इन रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सिंधिया 30 कांग्रेस विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि 2 दिन पहले ही उन्होंने उज्जैन में इन खबरों का खंडन किया था कि वे बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, लेकिन इन 2 दिनों में मध्य प्रदेश की कांग्रेस सियासत में घटनाक्रम तेजी से बदला है। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने इसी महीने पीसीसी चीफ पर निर्णय का बयान दिया और मुख्यमंत्री कमलनाथ भी कल दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सीएम के इस दौरे को नए प्रदेश अध्यक्ष के मनोनयन के साथ जोड़ा जा रहा है। इससे पहले दीपक बाबरिया प्रदेश के नेताओं से व्यापक राय शुमारी कर अपनी रिपोर्ट आलाकमान को सौंप चुके हैं, लेकिन मामला इतनी भर का ही नहीं है। असल कहानी तो ये है कि मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ और एक्स सीएम दिग्विजय सिंह किसी सूरत में नहीं चाहते कि सिंधिया को पीसीसी की कमान सौंपी जाए। दोनों के इस बीच एक मुद्दे पर आपसी सहमति और समझ जग जाहिर है, क्योंकि सिंधिया का पीसीसी चीफ बनने का सीधा सा मतलब है मध्य प्रदेश में सीएम कमलनाथ और दिग्गी राजा के बाद सत्ता का तीसरा शक्ति केंद्र स्थापित होना। पहले से ही जुगाड़ के बहुमत पर टिकी कमलनाथ सरकार के लिए ये काम चुनौती से कम नहीं होगा, इसलिए 2 दिन पहले अचानक दिग्विजय सिंह सक्रिय हुए और उन्होंने अपने 1.5 दर्जन सीनियर विधायकों के साथ पूर्व सीएम अर्जुन सिंह के पुत्र अजय सिंह के भोपाल आवास पर बैठक की। रिश्ते में दिग्विजय सिंह के भांजे और दामाद अजय सिंह के पीसीसी चीफ की दौड़ में शामिल कराया जाना असल में कमलनाथ और दिग्गी राजा की साझी युगलबंदी है। मुख्यमंत्री पहले प्रदेश में आदिवासी अध्यक्ष का कार्ड ओपन कर गृह मंत्री बाला बच्चन का नाम आगे किए हुए। जाहिर है कि सिंधिया को रोकने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस में उनकी व्यापक घेराबंदी की गई है। इधर कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से एक खबर सोशल और प्रिंट मीडिया पर वायरल है कि सिंधिया बीजेपी में जाने वाले हैं और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से बैठक का दावा भी इन खबरों में किया जा रहा है। हालांकि 20 दिन बाद सिंधिया ने उज्जैन में इसका खंडन किया, लेकिन बहुत ही सतही तौर पर। अब प्रश्न ये है कि क्या वाकई सिंधिया मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को जमीन पर लाने की स्थितियों में है? जिन 30 विधायकों का दावा किया जा रहा है उनकी वस्तु स्थिति वैसी नहीं है। सिंधिया के सर्वाधिक विधायक ग्वालियर चंबल में, जहां कुल सीटों की संख्या 34 है, जिनमें से 25 पर कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सभी विधायक सिंधिया के प्रति वफादार हो। 25 में से 9 विधायक तो दिग्विजय सिंह के कोटे से आते हैं, इनका सिंधिया से सीधा टकराव है। लहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह, केपी सिंह पिछोर, जयवर्धन सिंह राघोगढ़, लक्ष्मण सिंह चाचोड़ा, गोपाल सिंह चंदेरी, घनश्याम सिंह सेंवड़ा, जंडेल सिंह श्योपुर, प्रवीण पाठक ग्वालियर साउथ, एडल सिंह सुमावली, ऐसे नाम हैं जो घोषित रूप से दिग्गी राजा के चेले हैं। इसके अलावा भांडेर से रक्षा संतराम पर किसी की छाप नहीं है। भितरवार से लाखन सिंह, पौरी से सुरेश धाकड़, करेरा से जसवंत जाटव, अपेक्स बैंक अध्यक्ष और घुर सिंधिया विरोधी अशोक सिंह के संपर्क और अतिशय प्रभाव में माने जाते हैं। जाहिर है कि अंचल में 25 में से 13 कांग्रेस विधायक सिंधिया के समर्थक नहीं हैं। इसके अलावा जो विधायक हैं वह अधिकतर पहली बार चुनकर आए हैं और सरकार के परफॉर्मेंस से इनकी हालत अपने अपने क्षेत्रों में बेहद पतली हो चुकी है। अंचल से बाहर की बात करें तो सावेर, इंदौर से तुलसी सिलावट, सुर्खी सागर से गोविंद राजपूत, बदनावर धार से राज्यवर्धन दंतीगांव, सांची रायसेन से प्रभुराम चौधरी की गिनती सिंधिया समर्थकों में होती है, लेकिन इनमें से प्रभुराम, गोविंद राजपूत, तुलसी सिलावट कैबिनेट मंत्री है। समझा जा सकता है कि दल बदल अगर होगा तो इन सभी की सदस्यता जाएगी और लोकसभा परिणाम बताते हैं कि इन सभी के इलाके में पार्टी का सफाया हो चुका है। जाहिर है 30 विधायकों के साथ दल बदल की मीडिया रिपोर्ट्स जमीनी हकीकत से काफ़ी दूर है। ये सही है कि सिंधिया लोकप्रिय फेस है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उनका मामला दिग्गी राजा की तरह मजबूत नज़र नहीं आता है। इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि कोई भी कांग्रेस विधायक इस वक्त चुनाव का सामना करने की स्थितियों में नहीं है। जिन मंत्रियों ने सिंधिया को अध्यक्ष बनाने का अभियान चला रखा है, उनसे विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी अभी हाल ही में 50,000 से भी ज़्यादा वोटों से पराजित हुई है। खुद सिंधिया की चमत्कारी पराजय मध्य प्रदेश की जनता के मूड का इंडिकेटर माना जा सकता है। अब सवाल ये है कि 1967 में जिस तरह राजमाता ने राजनीति की चाणक्य कहे जाने वाले डीपी मिश्रा की सरकार को अपदस्थ किया था, क्या वही हालात आज उनके प्रपोत्र ज्योतिरादित्य के सामने हैं?
गहराई से देखा जाए तो राजमाता ने कभी पद की अभिलाषा से राजनीति नहीं की। वो 36 कांग्रेस विधायकों को लेकर पार्टी से बाहर आई थी। उनके मुद्दे जनहित से जुड़े थे। तब के छात्र आंदोलन पर हुए बर्बर गोलीकांड एक मुद्दा था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ इस समय ऐसा टैग नहीं लगा है कि वे स्वयं चुनाव हार चुके हैं और पार्टी के साथ उनका गतिरोध पद को लेकर है। राजमाता सिंधिया के साथ उनके वफादार अनुयायियों की फौज थी जो दलीय सीमाओं और सत्ता की चमक धमक से दूर थे, लेकिन ऐसे अनुयायियों की फौज सिंधिया के पास नहीं है। अगर वे कांग्रेस छोड़ने का निर्णय करते हैं तो इस बात की संभावना है कि कमलनाथ सरकार के मामले में मोदी शाह की जोड़ी कर्नाटक का प्रयोग नहीं दोहराएगी और नए चुनाव ही मध्य प्रदेश में कराए जाएंगे। इन परिस्थितियों में सिंधिया समर्थक विधायक क्या जनता के बीच जाने की हिम्मत दिखा पाएंगे, इसकी संभावना न के बराबर है। एक दूसरा पहलू ये भी है कि अगर सिंधिया समर्थकों के साथ बीजेपी में आते भी हैं तो उनके समर्थकों को टिकट के मामले में बीजेपी के डर कैसे समन्वित कर पाएगा, क्योंकि बीजेपी में आए दूसरे दलों के नेताओं का अनुभव बहुत ही दुखांतकारी रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।